Hello, dear students. Today we will talk about the history of plant breeding. Other aspect, that is Mendelian era 1900 to 1920. So, as per our previous lectures, we have gone through already the pre-Mendelian era. So, इस lecture में हम Mendelian era में कौन कौन से notable achievements थे उसको discuss करेंगे. So, 1900 में Hugo de Vries, Correns, शोरमार्क, इन्होंने मेंडल लॉस की रीडिस्कवरी की. जो मेंडल लॉस लुप्त हो चुके थे, दबाए जा चुके थे, उसको मेंडल लॉस को इन्होंने मेंडल के पेपर से और अपनी इंडिपेंडेंट स्टडी से इसको रीडिस्कवर किया और दुनिया के सामने लाया कि मेंडल लॉस जो है वो वैलिडेटेड हैं, बहुत ट्रू हैं और अहेड ऑफ द टाइम है. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था. देयर आफ्टर 1900 में निल्सन एच एल है, स्वीडिश साइंटिस्ट थे. उन्होंने इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन मेथड को एलेबरेट किया स्वीडन में अपने वर्क के दौरान. 1903 में जोहानसन डब्ल्यू एल, बहुत फेमस साइंटिस्ट डब्ल्यू एल जोहानसन, उन्होंने प्योर लाइन थ्योरी दी, शुद्ध वंशक्रम की एक जो थ्योरी दी और बताया कि जो है जेनेटिक बेसिस फॉर इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन, मतलब इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन के लिए जेनेटिक बेसिस को प्योर लाइन थ्योरी के रूप में प्रतिपादित किया और उन्होंने जीनोटाइप, फिनोटाइप और प्योर लाइन जैसे टर्म्स को क्वाइन किया या उछाला. 1908 से 1909 के बीच में हार्डी एक साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के और विनबर्ग थे जर्मनी के. इन्होंने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ पॉपुलेशन या लॉ ऑफ पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट दिया जो आगे चल के बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. 1908 में सी बी डेवनपोर्ट ने डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हेटरोसिस के बारे में प्रपोज किया, एक हाइपोथेसिस अवधारणा प्रपोज की. 1908 में जी एच शल, ई एम यीस्ट ने ओवर डोमिनेंस अति प्रभावी हाइपोथेसिस की अवधारणा दी मेज में. 1909 में शल ने एक एक्सटेंसिव रिसर्च किया और डेवलप किया इनब्रिड्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड, यूज ऑफ एफन हाइब्रिड बिटवीन इनब्रिड इन कॉर्न ब्रीडिंग. तो बेसिकली शल ने इनब्रिडिंग पे कार्य किया और अंतर प्रजनन किया और अंतर प्रजनन करके अंतर प्रजाति जो जातियां हैं या लाइंस हैं वो बाहर निकाली और उस बेसिस पे उन्होंने दो अंतर प्रजातियों के बीच या दो इनब्रिड के बीच क्रॉस करके एक हाइब्रिड या हेटरोसिस को कैसे रिस्टोर करते हैं वो बताया. 1909 में निल्सन एहले ने एक्सप्लेनेशन किया कि मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस फॉर ग्रीन कलर ऑफ व्हीट को एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया बाय यूजिंग पेडिग्री ब्रीडिंग और बल्क ब्रीडिंग. तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, इसमें ये बताया गया था कि जो रंग का जो जीन है व्हीट में वो किसी एक फैक्टर से गवर्न नहीं होता है, या कहना चाहिए वो किसी एक डोमिनेंट जीन से गवर्न नहीं होता है, वनस्पत वो छोटे छोटे माइनर जीन से मल्टीपल फैक्टर से वो गवर्न होता है. 1910 में ब्रूस, कीबल और पेलू ने डोमिनेंस हाइपोथेसिस को एलोबरेट किया और जो डेवनपोर्ट ने हेटरोसिस पे डोमिनेंट हाइपोथेसिस दी थी उस पर ज़्यादा काम किया. 1914 में जी एच शल ने सबसे पहले में हाइट्रोसिस फॉर हाइब्रिड फिगर इस टर्म को उपयोग किया. 1917 में जोन्स ने डेवलप की फर्स्ट कमर्शियल मेज की एक वैरायटी और प्रपोज किया डोमिनेंस ऑफ लिंक्ड जीन हाइपोथेसिस को प्रपोज किया. 1918 में आर एस फिशर, उन्होंने सक्सेसफुली अप्लाई किया मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को जेनेटिक कंट्रोल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए और क्रॉप एक्सपेरिमेंट्स के लिए वैज्ञानिक रूप से एक आधारशिला रखी जिससे आगे जा करके सारे पादप प्रजनन के एक्सपेरिमेंट्स उसी बेसिस पे होने लगे. 1919 में हेज, एच के हेज, आर जे गार्बर ने एक इनिशियल आइडिया दिया रिकरेंट सिलेक्शन के लिए और वे फर्स्ट थे जो सजेस्ट किए कि सिंथेटिक वैरायटीज या संश्लेषित किस्में जो हैं वो कमर्शियल कल्टीवेशन में मेज के लिए उपयोग की जा सकती हैं. सो आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक.
the Mendelian era.